मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। हमारे देश की सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसकी मैं माहिती आपके बीच में रखना चाहता हूं। गैट करार लागू होने के बाद भारत के शेतकरी समाज और साधारण लोगों पर उसका क्या फर्क पड़ा है, क्या अंतर आया है, उसके लिए एक सर्वे हुआ। हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बहुत खास मित्र हैं और भारत देश में बहुत समय तक ऊंचे पदों पर रहे हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता लोकसभा के हमारे देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके ठीक नीचे उपाध्यक्ष। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बंगाल के बहुत समय तक वित्त मंत्री रहे हैं। ऐसे एक विद्वान व्यक्ति ने भारत सरकार का एक सर्वेक्षण पूरा किया है। 2006 जून में वो सर्वेक्षण छपा है और उससे ये उन्होंने एक माहिती निकाली है कि गैट करार लागू होने के बाद भारत के साधारण लोगों की स्थिति और विशेष रूप से शेतकरी समाज की स्थिति बहुत खराब हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, उन्होंने बताया है कि गैट करार लागू होने के लगभग 12 साल में भारत के साधारण लोगों की गरीबी बहुत बढ़ी है, साधारण शेतकरी की गरीबी बहुत बढ़ी है। और उन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए हैं, मेरे जैसे आदमी को हैरानी होती है, सारे देश को हैरानी है। 84 करोड़ लोग इस समय गरीबी की रेखा के इतने नीचे हैं कि जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। गैट करार लागू होने के बाद की ये स्थिति है। 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में 20 रुपये खर्च नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, 115 करोड़ का हमारा देश है, 115 करोड़ में 84 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। इसका सीधा मतलब है 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपये से कम है। और प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट को ही आगे मैं बता रहा हूं कि 50 करोड़ लोगों की तो एक दिन की आमदनी 10 रुपये से कम, 50 करोड़ लोग, और 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपये से कम है। और ये पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से हुआ है, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है। फिर हमारे देश के प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की ही कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि गैट करार लागू होने के बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे जो रोजगार करने के काम होते थे, वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। छोटे उद्योग धंधे, रोजगार देने वाले सारे तंत्र धीरे धीरे खत्म हुए। और एक दो माहिती देता हूँ, गैट करार लागू होने के 12 साल में हमारे देश का खेती का जो निर्यात है वो बहुत तेजी से गिरा है। हम जो खेती का निर्यात करते थे 1995 में, उस निर्यात से हमारी जो कुल आमदनी होती थी, आज वो आमदनी हमारी 20-25% कम हो चुकी है, खेती से होने वाली आमदनी। और ये आमदनी कैसे कम हुई है, 1995 में जब ये गैट करार लागू हुआ था तब $1 36 रुपये का था। अब गैट करार लागू हुए लगभग 12-13 साल हो गया, अब $1 लगभग 50 रुपये के बराबर है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि पहले हम खेती का कोई भी वस्तु 36 रुपये का बेचे तो हमें $1 की इनकम होती थी। अब 2009 में खेती की 50 रुपये की वस्तु बेचते हैं तब $1 की इनकम होती है। माने वस्तु हमारी जास्ती जाती है, डॉलर हमारे पास उतना ही आता है जो 1995 में आता था। अगर आप इसको टक्केवारी में निकालेंगे तो 36 रुपये डॉलर से अब 50 रुपये डॉलर हो गया, लगभग डॉलर की पोजीशन में 25-30% की गिरावट आई है। और यही गिरावट हमारे खेती से होने वाली आमदनी में भी आई है, और इसी गिरावट के कारण हमारे शेतकरी समाज को गरीबी और ज़्यादा आई।